गया। अब नॉर्थ में समझो रेड कलर आएगा कोई क्लाइंट के वहां पे, तो वहां आप उसको क्या स्टेटमेंट दोगे? नॉर्थ आपका अफेक्टेड हो गया क्योंकि अग्नि उसमें, ईस्ट का उसमें पावर आ गया। अग्नि का हाँ सॉरी, रेड हाँ कलर, अग्नि का, हाँ फायर का, फायर का, तो आपको क्या का नुकसान जाएगा? मनी एंड अपॉर्चुनिटीज अफेक्ट होंगे, हाँ यानी आपके घर में पैसा ही नहीं आएगा। पैसा ही नहीं आएगा। ओके अब देखिए यहाँ पे नॉर्थ में ये ब्लू है, रेड इसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो अगर रेड नॉर्थ में आ जाएगा ना तो रेड भी डिस्टर्ब होगा। तो रेड के कौन से जोन है? एसी, साउथ ईस्ट, हाँ फिर एस एस साउथ सी साउथ, और साउथ। तो यस नॉर्थ में पानी आ गया तो उसका आपका स्टेट, और नॉर्थ में फायर आ गया तो आपका स्टेटमेंट क्या क्या रहेगा? तीन तरह के स्टेटमेंट स्टेटमेंट बनेंगे। कौन से? चार तरह के स्टेटमेंट इधर क्लियर होंगे। एक तो आपके पास पैसा नहीं आ रहा, फिर थोड़ा बहुत आ गया है तो टिक नहीं रहा, कैश लिक्विडिटी आपके पास पड़ी नहीं है, इफेक्ट हुई ना ओके, इसको कैश भी। लिक्विडिटी नहीं रहेगी। हाँ और सामने पावर और कॉन्फिडेंस चला जाएगा, और साथ में आपकी फेम भी जा सकती है और रिलैक्सेशन में भी प्रॉब्लम्स आएगी, आराम कहाँ से मिलेगा? लॉजिक समझ रहे हो? सर, यानी एक जोन इतने डिस, सभी इसमें ये अफेक्ट हो रहा है मुझे। हाँ ये आपके घर का भी यही चीज है। पूरा अफेक्ट हो रहा है सर मेरा ना, मुझे जो भी अपॉर्चुनिटीज आती है मैं सिलेक्ट करता हूँ, और ना मुझे ऑफर लेटर मिलता है ना कुछ मिलता है, सब कुछ पास हो जाता हूँ पर नहीं होता है एंड में। यानी कितना लग रहा है ना, कितना लॉजिक लगा ना आज। हाँ मैं आज नॉर्थ का देखा तो मेरे नॉर्थ में टॉयलेट ही आ रहा है उधर हाँ ऊपर वो से। हाँ तो वहां पे कलर नहीं है तो उसको एंटी एक्टिविटी बोलेंगे। ओके ओके तो यहाँ पे अभी उसको फिर हम डिस्कस बाद में लेते, पहले ये बढ़िया चल रहा है। हाँ सर, यानी अब यहाँ ये पे जस्ट आपने बोला तो कनेक्ट करने की कोशिश हाँ कर कनेक्ट रात को करते रहना। यानी नॉर्थ में आपकी जो अगर डिस्टर्ब हो गई तो ये सब कुछ आपकी प्रॉब्लम आएगी। तो अगर नॉर्थ में डिस्टर्बेंस है ना तो जहां जहां ब्लू कलर है ना ये सब भी डिस्टर्ब होंगे। तो आपकी नॉर्थ डिस्टर्ब हो गई तो साथ में हेल्थ की भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको क्लियरिटी माइंड नहीं मिलेगा और आपको सेक्स अट्रैक्शन की प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि पैसा क्यों नहीं आ रहा, तो उसको लॉजिक समझाना कि तुम जो प्रोडक्ट बेच रहे हो ना किसी को उसमें अट्रैक्शन ही नहीं है, यानी सेल नहीं बढ़ रही। ओके और सेल नहीं बढ़ रही इसलिए आपके पास पैसा टिक नहीं रहा, मेंटेनेंस में चला जा रहा है, तो इससे आपकी क्या हेल्थ की भी प्रॉब्लम, यानी टेंशन बढ़ रहा है और आपकी माइंड वर्क नहीं कर रहा। एक दूसरे से कनेक्ट करना सीख जाओ कि क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। थैंक्स। ओके यानी जब जब नॉर्थ लाल रंग से डिस्टर्ब हो रहा है तो आपको यहाँ के एक दो तीन चार चार जोन के एट्रीब्यूट को मिक्स करके एक स्टेटमेंट बनाना है, और जो कलर यहाँ पे आ चुका है उसको मिक्स करके एक स्टेटमेंट बनाना है, वो काम आपका रहेगा। क्या कैसे ओके स्क्रिप्ट बनाते हो और कैसे क्लाइंट को बोलते हो, कैसे क्लाइंट को कन्वेंस करते हो, नहीं तो क्या होगा, क्लाइंट ही खुद बोलेगा। क्लाइंट ऐसा बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं टिक रहा, तो आप उसकी नॉर्थ और साउथ ईस्ट देख लो। ओके ओके यस सर, अब यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं। नॉर्थ से, नॉर्थ के अंदर शौचालय का होना, सीढ़ियों का होना, यहाँ पे अंडरग्राउंड सेफ्टी टैंक होना, स्टोर होना, जितनी भी एंटी एक्टिविटी है गिनाओ। नॉर्थ में क्या क्या एंटी एक्टिविटी हो सकती है? तो सबसे पहला तो टॉयलेट, दूसरा टॉयलेट, दूसरा किचन, यस, तीसरा हल्का रखना, यानी यानी यहाँ पे सीढ़ी आ गई तो सीढ़िया स्टेयर्स, ओके स्टेयर्स, फिर स्टोर रूम,
फिर नॉर्थ का कटा हुआ होना, ओके, नॉर्थ में लाल या पीला कलर पड़ा रहना होना, वहां पे सोफा पड़ा है पर उसका फैब्रिक लाल कलर का है तो वहां पे एंटी एक्टिविटी हो जाएगी, एंटी कलर आ गया। वहां पे लाल कलर का पेंट मारा हुआ है, लाल कलर की मैट पड़ी हुई है, लाल कलर का फर्नीचर बना हुआ है, येलो कलर की मैट पड़ी है, येलो कलर का पलंग पड़ा है, उसके ऊपर बेडशीट पड़ी हुई है येलो कलर की। तब येलो कलर आ जाएगा तो इसको इसके साथ ज्वाइन करने का, SSW और SW के साथ, यानी रिलेशन स्किल। ओके हाँ, जैसे वो बोलेगा कि मेरा दिमाग नहीं चल रहा, मैं कौन सा धंधा करूं, क्योंकि उसके पास स्किल ही नहीं है, तो उसकी स्किल के लिए उसको साउथ वेस्ट की प्रॉब्लम रहेगी। यानी यहाँ पे कोई ब्लू कलर, यहाँ पे कोई वो कलर आ सकता है येलो, या फिर साउथ वेस्ट में वाटर वाटर आ जाएगा। अब साउथ वेस्ट में पानी आता है तब कैसे नुकसान करता है, अभी इतनी सारी बारिश गिर रही है रोड के ऊपर, साउथ साउथ वेस्ट यानी पृथ्वी तत्व हो गया पीला कलर, ओके यहाँ लिखा है ना पृथ्वी तत्व। हाँ यस सर अब पानी पृथ्वी पे बहुत सारा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रोड पे खड्डे हो जाएंगे, यानी नुकसान हो गया। यानी पीला कलर भी यहाँ आने से इफेक्ट नेगेटिव होगी, पानी का कलर ब्लू कलर साउथ वेस्ट में आने से नेगेटिविटी होगी, पानी साउथ में जाने से नेगेटिविटी होगा, और अग्नि नॉर्थ में जाने से नेगेटिविटी होगी। यस क्लियर? अब यहाँ की कॉम्प्रो कैसे कराएंगे, ये ब्लू कलर नॉर्थ, जी ये रेड कलर, ओके इसमें बीच में कौन है, ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर अगर ऐड कर देंगे रेड के अंदर या ब्लू के अंदर तो इफेक्ट कम हो जाएगी। ओके यानी समझो कि यहाँ पे नॉर्थ में किचन आ गई, ब्लैक कलर की प्लेटफॉर्म बन गई, तो गैस का गैस हो ना अपना जो गैस कुकिंग रेंज, और ब्लैक कलर के प्लेटफॉर्म के बीच में ग्रीन स्टोन रख दो बैलेंस करने के लिए, कॉम्प्रो। ओके क्लियर? अब नॉर्थ डिस्टर्ब नॉर्थ होगा। कुछ भी अगर एंटी आ गया तो वी विल टेक हेल्प ऑफ चाइल्ड का, हाँ, चाइल्ड की हेल्प लेंगे। चाइल्ड की हेल्प लेंगे। ओके अब नॉर्थ में मनी एंड अपॉर्चुनिटी की प्रॉब्लम आएगी, कोई वास्तु दोष होगा तो एनएनई में हेल्थ डिस्टर्ब रहेगी। कोई भी बंदा कहता है कि मेरे घर में बहुत बीमारियां है, इतनी सारी बीमारियां है, पैसा बीमारी में ही जा रहा है, तो उसकी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट देखना। ओके, ओके अब ये ग्रिड बनानी पड़ेगी घर की, पहले तो वो ग्रिड वाला हम बाद में लेंगे, पहले इसको बेसिक समझ लो सब। तो नॉर्थ, अब एनएनई में अगर ग्रीन कलर आ गया तो क्या बोलेंगे हम उसको, एंटी के उसको सपोर्ट वाला, सपोर्ट सपोर्ट राइट। और येलो आ गया तो, एंटी हो गया, और रेड आ गया तो, एंटी हो गया व्हाइट आ गया तो सपोर्ट। सपोर्ट। ओके, अब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नॉर्थ की मेटल है। ओके, यस तो यहाँ पे एल्यूमिनियम की फर्नीचर पड़ी होगी तो हाँ, सपोर्ट रहेगा। वो उसका खुद का मेटल है। अब समझो हाँ ग्रीन ग्रीन है ना, ये एयर की मेटल है, SS304। अच्छा, एयर के मेटल स्टेनलेस स्टील मतलब। हाँ, स्टील है। ओके अगर स्टील नॉर्थ में आ गई तो